सेफी चेयरमैन एवं बीएसपीओ अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बनछोर के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष करते हुए 14 वर्षों से लंबित सेल के अधिकारियों को 11 माह के पक्ष के एरियर्स भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। 13 सितंबर 2023 को सेल की रिट याचिका को कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति तपव्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस प्रकार 14 वर्षों से लंबित सेल के अधिकारियों को 11 माह के लंबित पर्स के एरियर्स भुगतान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सेफी चेयरमैन एवं बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बनछोर ने बताया कि सेफी के संघर्ष तथा अदालत के इस निर्णय से सेल के लगभग 15,000 तत्कालीन कार्यपालक तथा बीएसपी के 4,000 तत्कालीन कार्यपालकगण लाभान्वित होंगे। नरेंद्र कुमार बनछोर ने बताया कि पहले सेफी ने सेल में 11 माह के पर्स की राशि भुगतान के लिए कैट के समक्ष केस दायर किया था, जिसमें सेफी के पक्ष में आदेश आने पर सेल प्रबंधन ने कैट के आदेश को उच्च न्यायालय कोलकाता में चुनौती दी थी। कैट द्वारा आवश्यक आदेश पारित करने के बावजूद सेल प्रबंधन ने इस मुद्दे को लटकाने और भटकाने का पूरा प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप अधिकारियों को अपने वाजिब हक की राशि अब तक नहीं मिल पाई थी, जबकि उस वक्त सेल के पास हजारों करोड़ रुपए की सरप्लस राशि उपलब्ध थी। इस संबंध में सेफी चेयरमैन और बीएसपीओए के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बनछोर ने जानकारी दी। ये उस समय की बात है जब हम लोग का सेकंड पीआरसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड पीआरसी का गठन किया और उसके बाद उसकी जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में ये था कि आप 26 नवंबर 2008 से आप पर्स का भुगतान कर सकते हैं। और उसी समय सरकार ने भी एक आदेश निकाला, जो सरकार का आदेश ये था कि जो भी कंपनियाँ, सार्वजनिक कंपनियाँ नए पेयजन का भुगतान करना चाहती हैं, वो अपना अभिमत मिनिस्ट्री के माध्यम से डीपी को भेज दे। और उसकी समय सीमा उन्होंने दी थी कि आप 2 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में ये हमको बताएं, 2 अप्रैल 2009 से 2 मई 2009 के बीच में हमको इसके लिए सूचित करें। दुर्भाग्य था या जो भी कहें, हमारा साथ ये था कि हमारे उस समय इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी और हमारे सेल बोर्ड के सभी सदस्य, मतलब हमारा सेल मैनेजमेंट, सभी उसमें यूरोप के दौरे थे, जो पूर्व से निर्धारित था। तो यूरोप के दौरे में जब वो गए तो उस समय वो बोर्ड मीटिंग हम लोग उस समय नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो भी पेयजन होता है या विज बोर्ड होता है, ये एक बार बोर्ड से उसको पास कराना होता है। तो जब सरकार का आदेश था तो बिना बोर्ड से पास के इसको भेजा नहीं जा सकता था, तो न सेल बोर्ड मीटिंग हो पाई और न ही ये आदेश जो आया था सरकार का, उस पर कहीं हम अनुपालन कर पाए। उसी जगह पर RINL के बोर्ड के सदस्य भी उसमें टूर में थे, भ्रमण में थे, और वो भी यूरोप और चाइना का जो टूर था उसमें वो भी थे, शामिल थे इस्पात मंत्रालय के अधीन। तो इन लोगों ने क्या किया, एक फैक्स मैसेज के माध्यम से बोर्ड मीटिंग में एक मैसेज कन्वे कर दिया मिनिस्ट्री को, और मिनिस्ट्री ने उसको फॉरवर्ड किया डीपी के पास। तो RINL के अधिकारी, जो कि इस्पात मंत्रालय के अधीन आता है RINL, वो उनका उसमें पर्स का भुगतान सरकार के निर्देशों अनुसार, जो सेकंड पीआरसी की रिपोर्ट के अनुसार था कि 26 नवंबर 2008 से उनको पूरा भुगतान हुआ जो चालू होना था, लेकिन सेल में बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, सेल को उसके लिए मिनिस्ट्री ने अप्रूव नहीं किया। और हमारे यहाँ जो सेल के अधिकारियों का जो भुगतान था वो 5 अक्टूबर 2009 से हुआ, तो लगभग 11 महीने का जो पर्क्स है वो हमारे अधिकारियों को नहीं मिला। और एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि सेकंड पीआरसी में सरकार ने जो निर्धारित किया था उस समय 30% MGP था और 46% पर्क था। तो आप बेसिक बढ़ गया, लेकिन आपका बेसिक हिसाब से पर्स का भी भुगतान है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। उसका दूसरा कारण यही था कि हम लोग मीटिंग, सेल बोर्ड मीटिंग नहीं कर पाया, और उस समय सेल के पास 20,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए सरप्लस अमाउंट था, कि उस समय प्रोजेक्ट डिक्लेयर नहीं हुए थे, तो उतना पैसा उसके अकाउंट में भी था, तो पैसे देने में कोई परेशानी नहीं थी, पैसा था, लेकिन एक आदेश का पालन नहीं हो पाने के कारण यह पैसा नहीं मिल पाया। और उसके बाद से लेकर सेफी और वो हमेशा संघर्षरत रहे। उस समय की सेफी ने भी प्रयास किया, सभी ने प्रयास किया। मुझे याद है 11-13 के टेनर में जब मैं महासचिव था तो BR चौधरी साहब यहाँ इस्पात सचिव थे, वो आए थे, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। उसके बाद श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी से, जब वो भिलाई प्रवास पर थे, तो उनसे मुलाकात की। हम लोगों ने प्रयास उस समय भी किए, पर ये उस समय इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। फाइनली जब इतना प्रयास लगातार चलता रहा, वर्षों चलता रहा, तो सेफी को कैट में जाना पड़ा, ट्रिब्यूनल में हम लोग गए। ट्रिब्यूनल का फैसला फरवरी 2016 में आया, उसके अनुसार ये पैसा सेल के अधिकारियों को मिलना चाहिए, वो फैसला क्लियर था। लेकिन उस फैसले के अगेंस्ट में, विरोध में, सेल ने एक कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दिया, और इसी कारण से वो उस पर सुनवाई में देरी हुई, काफ़ी समय लगा। हम लोग हमेशा प्रयास में लगे रहे, दो बार मैंने
सिफी चेयरमैन बनने के बाद अपनी जो हमारी सुनवाई थी उसको शीघ्र कराने का अनुरोध भी किया हाईकोर्ट से, और फाइनली देर आए दुरुस्त आए और 13 तारीख को ये फैसला हमारे पक्ष में आया। हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि अधिकारियों का पर्स जो है उनको मिलना चाहिए था, तो अब वो रास्ता क्लियर हुआ है। और एक उस समय के अनुसार जो भी हमारे अधिकारी थे सेल में, के लगभग 15,000 अधिकारी थे, भिलाई स्टील प्लांट में लगभग 4,000 अधिकारी थे, उनको इसका लाभ मिलेगा जो सेवा में आज हैं भी और कई सेवान्वित हो भी चुके हैं। तो एक हमारा प्रयास था जिस पर हम सफल हुए और अच्छा अमाउंट उसमें मिलने की संभावना है। सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंशोर ने इस मुद्दे के निराकरण के लिए इस्पात सचिव से लेकर विभिन्न मंत्रालय तक भागदौड़ करने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ी। सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंशोर ने इस मुद्दे के निराकरण के लिए देवाशीष लहरी पूर्व महासचिव सेफी का विशेष आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।